हेलो गाइस, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 17 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए। जी हाँ गाइस, इंडियन सिनेमा में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए एक्टर्स को सम्मानित किए गए। वेल गाइस, आलिया भट्ट से लेकर कृति शरण, पंकज त्रिपाठी और अल्लू अर्जुन तक कई अन्य लोगों को भी अवार्ड से सम्मानित किए गए। जी हाँ गाइस, ये सेरेमनी न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। जी हाँ गाइस, आलिया भट्ट को इस सेरेमनी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से सम्मानित किया गया गंगूबाई के लिए। आलिया भट्ट अवार्ड सेरेमनी में अपने हस्बैंड रणवीर कपूर के साथ पहुंचे थे और गाइस, आलिया भट्ट इस सेरेमनी में अपने शादी के आउटफिट में नजर आई। वेल गाइस, कृति सनन भी अपने फैमिली के साथ पहुंची। कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से सम्मानित किया गया। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किए गए। अल्लू अर्जुन अपनी वाइफ के साथ पहुंचे थे अवार्ड सेरेमनी में। वहीं बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किए गए। पंकज त्रिपाठी अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। वेल गाइस, आप लोगों को ये जानकर कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बाय बाय गाइस।